हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे एंड मैं भी बढ़िया हूँ। और ये देख सकते हैं, और हम गए हैं तेल भरवाने एक्चुअली भूटान में। तो फिर हमें प्लान कर लिया कि हम लोग वहाँ अंदर भी जाके थोड़ा सा देख के आते हैं, घूम के आते हैं। सो यहाँ पे जाने के बाद हम लोग सडनली प्लान हुआ है ये सब। और हमें आईडी प्रूफ दिखाने के लिए वहाँ पे आधार कार्ड या जो भी हमारे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो दिखाना पड़ते हैं। और प्रोसेस कैसे होते हैं एक्चुअली मुझे भी इतना क्लियर नहीं है, बट अंदर एंट्री होने के लिए। और हम लोग जो मेरे जो जीजा जी है वो ये पुलिस डिपार्टमेंट में है, और जो ये भूटान के सामने असम बॉर्डर में ही है बलिमू में। तो फिर हम लोग जीजा जी का जो आईडी है वो दिखा के हम लोग को इजीली बैग अलाउ किया कि अंदर जाने के लिए अंदर गए। और मेरा ये फर्स्ट टाइम है, और मैंने एक्चुअली मैं ब्लॉग बनाने के लिए नहीं था, लेकिन सडनली मैं यहाँ पे घूमने के लिए पहुँचे तो अंदर तो मैं सोचा कि थोड़ा सा दिखा लूँ। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा थोड़ा दिखाया है आप लोग को, और यहाँ पे जो क्या क्या चीज़ है वो मैं आप लोग को दिखाने वाले हैं। ये भी मेरा फर्स्ट एक्सपीरियंस है। और गेट के बाहर गेट में मेन गेट में एंट्री होने में चेक इन करता है, और यहाँ पे दो जगह में चेक इन करते हैं कि अंदर जाने के लिए। और हमें सेकेंड चेक हो चुकी है, और उसके बाद अंदर जाने के बाद मैंने देखा इतना ज़्यादा बड़ा तो नहीं है यहाँ पे देखने के लिए, और कुछ खास तो दिखाई नहीं दिया। बट ये कल्चर रिलीजियंस और ये घर का स्ट्रक्चर देख सकते हैं, और डिज़ाइन वगैरह और सब डिफरेंस है, तो उसको देख के अच्छा लगा। तो आप लोग भी घूमने जा सकते हैं यहाँ पे। ये तो सामने ही है असम बॉर्डर, अरुणाचल बॉर्डर में है। सो और हम लोग गए यहाँ पे शॉपिंग करने और देखने गए कि यहाँ पे क्या है नहीं है। तो फिर मुझे यहाँ पे ऐसे दिखाई दिया कि जहाँ पे यहाँ देख सकते हैं जो खिड़की में अल्कोहल रखी हुई थी, तो मैंने पूछा कि ये वाइन शॉप है क्या। तो यहाँ पे वाइन शॉप एक्चुअली वाइन शॉप नहीं है, और लोकल शॉप में शॉपिंग रख सकते हैं अल्कोहल। तो ये डिफरेंस लगा मुझे। और अंदर जाके आप लोगों को देखने मिलेगा कि यहाँ का ट्रेडिशनल चीज़ चाहे तो मिल जाते हैं यहाँ पे। बैग्स जो मार्केट का चीज़ थोड़ा सा डिफरेंस मिलेगा आप लोगों को, और इसलिए कि ये ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये एक्चुअली गांव टाइप है। तो आप लोग को ज़्यादा देखने के लिए नहीं मिलेगा, लेकिन कल्चर और आप लोग को और यहाँ देख सकते हैं कि संज्ञा पर चीज़।
खाने के लिए पॉपकॉर्न भी पॉपकॉर्न था यूनिक चीज कॉर्न वगैरह और बाकी ज़्यादातर सिमिलर ही और यहाँ पे यूनिक चीज थे। आप लोगों को भूटान घूमने जाना है तो ये समय में जाके घूम के आ सकते हैं और आप लोगों को एक्सपीरियंस मिल जाएगा। और बाकी जो मेन भूटान है जो बड़ा सिटी है उन लोगों का वहाँ जा सकते हैं, बट जो पहले एक्सपीरियंस करना चाहते हैं या सामने में देखने जाना चाहते हैं तो ये सामने भी जा सकते हैं। तो मुझे फर्स्ट एक्सपीरियंस अच्छा ही लगा। और हम लोग नेक्स्ट मार्केट में आया था, शॉप में, नेक्स्ट शॉप में घुसा तो यहाँ पे यहाँ का ट्रेडिशनल बैग वगैरह था अच्छा अच्छा और यहाँ ट्रेडिशनल सामान बहुत ज़्यादा था यहाँ पे ये शॉप में। और हम लोग यहाँ से ये भी देख सकते हैं ऊपर में फ्रेम इतना अच्छे से बना के रखा हुआ है और ये है भूटान का किंग का जो फोटो वगैरह फ्रेम बना के उन लोग ने शॉप में बहुत अच्छे से रखा हुआ था। और ये देख सकते हैं ये अल्कोहल यहाँ पे ऐसे रखा हुआ है और मैंने ये रसगुल्ला देखा इसका छोटा सा
और हम लोग ने यहाँ पे ये सेक्शन देख सकते हैं, ये पिकल्स है। मैंने देखा बहुत सारे अच्छे अच्छे पिकल्स था, और यहाँ प्राइस भी देख सकते हैं। ये इसका था प्राइस 290। और हमने यहाँ से कुछ ये देख सकते हैं लाफिंग बुटन ना कुछ, और ये लाया एक गाड़ी में रखने के लिए। इसके बाद हम लोग यहाँ से निकला, फिर पेट्रोल पम्प ये देख सकते हैं, ये यहाँ का पेट्रोल पम्प है। तो हम लोग लास्ट ये तेल भरवाने गया यहाँ से, और बस इतना ही सही था आज का ब्लॉग, भूटान का ब्लॉग। और आप लोग ज़रूर कमेंट्स में बताना कि कैसे लगा, और यहाँ पे, और आप लोग ज़रूर आना यहाँ पे, जिस जिसको एक्सपीरियंस करना चाहते हो तो ज़रूर एक्सपीरियंस करना, कि थोड़ा सा डिफरेंस ही है क्योंकि अलग कंट्री है। तो आपको ज़रूर डिफरेंस चीज़ देखने मिलेगा, रिलीजन्स कल्चर्स एंड ट्रेडिशनल समथिंग। एंड ये है पेट्रोल पम्प यहाँ का, और हम लोग लास्ट पेट्रोल भरवाने के बाद फिर हम यहाँ से निकल पड़े अपने इंडिया में, मीन्स यहाँ से। और ये देख सकते हैं ये लास्ट गेट है, और हम लोग यहाँ से टाटा बाय बाय करके आ चुकी है, और ये एंटर कर चुके हैं हमारे इंडिया, ये है असम। तो फिर हम लोग एंटर हो चुके हैं असम में, इंडिया। और फिर बस थोड़ा इतना ही था, मैंने अच्छा लगा एक्सपीरियंस करके, और बाद में ज़रूर मौका मिले तो मैन भूटान, जो मैन मीन्स जो मतलब बड़ा शहर है, वहाँ पर ज़रूर जाना चाहूँगी, मैं ट्राई करूँगी। आप लोग भी फर्स्ट ये छोटा मोटा एक्सपीरियंस कर लीजिएगा, बहुत अच्छा लगा, अच्छा है। और बाय बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे, खुश रहे अपने अपने घर में, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। ये देख सकते हैं अरुणाचल इंडिया, अभी हम लोग फर्स्ट भूटान से असम एंटर किया, और असम से फिर ये देख सकते हैं अरुणाचल, वहाँ देख सकते हैं अभी हम लोग बड़ा बड़ा जो माउंटेन दिखाई दे रहे हैं, ये अरुणाचल एंटर कर चुके हैं हम लोग। और ये है स्विस गेट, जो यहाँ पे बहुत लोग पिकनिक करने आते हैं, जब पिकनिक सीजन होते हैं जनवरी ऐसे से दिसंबर से स्टार्ट हो जाते हैं। और ये है अरुणाचल बालीमो। आज का ब्लॉग छोटा सा ही है, और मेरा एक्सपीरियंस आप लोग के साथ भी शेयर करूँ, इसलिए मैंने छोटा सा ब्लॉग बनाया। एंड मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।